नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 29 मई। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार में 3.25 करोड़ कामगारों ने करवा लिया अपना रजिस्ट्रेशन। बिहार सरकार देगी युवाओं को रोजगार का सुनहरा मौका। राज्य के 8,400 पैक्सों का होगा कंप्यूटरीकरण। बिहार में अब जड़ से खत्म होगा फाइलेरिया। बिहार इन्वेस्टर्स मीट में शामिल होंगी बड़ी बड़ी कंपनियां। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार में 3.25 करोड़ कामगारों ने करवा लिया अपना रजिस्ट्रेशन। केंद्र सरकार की तरफ से ई श्रम पोर्टल पर असंगठित क्षेत्र के श्रमिक के करवाए जा रहे निबंधन में बिहार देश में दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। इसकी जानकारी खुद श्रम संसाधन मंत्री जीवेश कुमार ने दी है। उन्होंने ही बताया कि प्रदेश में अब 2,82,53,941 कामगारों का निबंधन हो चुका है, जिन्हें डिजिटल परिचय पत्र जारी किया जा रहा है। 8,28,00,000 श्रमिकों का निबंधन कर उत्तर प्रदेश देश में पहले स्थान पर है। पश्चिम बंगाल तीसरे स्थान पर है, जिसने ही 2,55,00,000 श्रमिकों के निबंधन का काम किया है। इसके जरिए ही अब तमाम सरकारी योजनाओं का लाभ मिलने में सहूलियत होने वाली है। राज्य ने निबंधन के निर्धारित लक्ष्य में 80.75% उपलब्धि प्राप्त कर लिया है। अच्छी बात यह है कि 80,60,573 कामगारों ने खुद निबंधन करवाया है। आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे पंकज त्रिपाठी की। पंकज का जन्म बिहार के गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट के ही एक गाँव में हुआ था। सन 2004 में अभिषेक बच्चन की एक फिल्म आई थी रन। इस फिल्म में बहुत ही छोटे किरदार के रूप में उन्होंने काम किया था। इसके बाद फिल्म ओमकारा में भी एक छोटा सा ही रोल अदा किया था। उसके बाद पंकज करीब 60 से ज्यादा फिल्में और 60 से ज्यादा टेलीविजन शोज कर चुके हैं और अभी भी बॉलीवुड में कार्यरत है। पंकज का सबसे तगड़ा किरदार जहां से उन्हें अलग पहचान मिली थी, वो था फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर का। इस फिल्म ने कई सारे अवार्ड भी उनके नाम दर्ज करवाए थे। इसके बाद पंकज ने बहुत सी फिल्मों में काम किया जहां उनके अभिनय की बहुत ही तारीफ हुई और लोगों ने भी खूब पसंद किया। बिहार की बेटी ने अंतर्राष्ट्रीय मंच से किया आवाज बुलंद। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले की 16 साल की बेटी जानवी ने संयुक्त राष्ट्र फाउंडेशन के मंच से अपनी बात रखकर पूरे राज्य का नाम रोशन किया है। इस मंच से ही स्पीकर के तौर पर जानवी ने गर्ल्स कार्यक्रम में अपनी बात रखी है। इसके साथ ही उन्होंने जिले के नाम एक बड़ी उपलब्धि अर्जित भी की। जानवी ने कहा कि विश्व में लड़कियों और महिलाओं के मौलिक अधिकार अब तक नहीं मिले हैं। जब शरीर महिला का तो उस पर अधिकार भी महिलाओं का ही होना चाहिए। इसके साथ ही अन्य बिंदुओं पर भी जानवी ने गर्ल्स टॉक के तहत पूरी दुनिया के सामने अपनी बातों को रखा है और इन समस्याओं के समाधान को लेकर भी विचार व्यक्त किए। बिहार में अब जड़ से खत्म होगा फाइलेरिया। बिहार में फाइलेरिया की समस्या अब जल्द ही खत्म होने वाली है, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग ने राज्य के सभी सिविल सर्जन को सरकारी अस्पतालों में ऑपरेशन को प्रमुखता देने की नसीहत दे दी है। इसके लिए भी सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, रेफरल अस्पताल और जिला अस्पतालों में सिविल सर्जन को अभियान चलाने की नसीहत दी गई है। सरकारी अस्पताल और जिला अस्पतालों में अब सिविल सर्जन को अभियान चलाने के लिए कहा गया है। साथ ही सरकारी अस्पतालों में ऑपरेशन में संतोषजनक वृद्धि नहीं होने पर नाराजगी भी जताई गई है और सभी सिविल सर्जन को अस्पताल में उपलब्ध चिकित्सा सुविधाओं और दवाओं को देखते हुए ऑपरेशन की संख्या बढ़ाने को कहा गया है। वहीं 7 जुलाई से फाइलेरिया की दवा भी खिलाई जाएगी। बिहार सरकार देगी युवाओं को रोजगार का सुनहरा मौका। बिहार की नीतीश सरकार अब बिहार के युवाओं को रोजगार का सुनहरा मौका देने वाली है। इसके तहत ही बिहार सरकार ग्राम कचहरी सचिव के 1,000 पदों पर जल्द ही नियोजन का काम करने वाली है। साथ ही साथ ग्राम कचहरी में काम करने वाले 7,000 सचिवों की सेवा अवधि विस्तार करने का काम भी होने वाला है, जिसकी जानकारी खुद बिहार के मुखिया नीतीश कुमार ने दी है। इसके तहत ही बीते दिन उन्होंने अपने फेसबुक अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर किया। इस पोस्ट के साथ ही उन्होंने एक तस्वीर भी शेयर की, जिसमें उन्होंने बताया कि जल्द ही बिहार में हर ग्राम पंचायत में 2-2 कार्यपालक सहायक की नियुक्ति होने वाली है। साथ ही जल्द ही 7,000 सचिवों की सेवा अवधि भी विस्तारित होने वाली है। 19 जून और 18 सितंबर से चलेगा पोलियो उन्मूलन अभियान। बिहार में पोलियो की समस्या को जड़ से खत्म करने की तैयारी हो रही है। इसको लेकर ही बिहार में खास अभियान भी चलाया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने हाल ही में इसको लेकर बड़ा बयान जारी किया है, जिसके तहत ही उन्होंने कहा कि हमारे 2 पड़ोसी देश अफगानिस्तान और पाकिस्तान में लगातार पोलियो के नए मरीज मिल रहे हैं। साल 2020 में अफगानिस्तान में 56 और पाकिस्तान में 84 मामले पोलियो के आए हैं, जबकि साल 2021 में अफगानिस्तान में 4 और पाकिस्तान में 1 मरीज चिन्हित हुए हैं। वहीं 2022 में अब अफगानिस्तान में 1 और पाकिस्तान में 2 पोलियो के मरीज मिले हैं। इन्हीं आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए राज्य में भी विशेष रणनीति बनाकर 2 चक्र में पोलियो उन्मूलन अभियान चलाया जाएगा, जो कि 19 से 23 जून तक और दूसरा चक्र में 18 से 22 सितंबर तक अभियान चलेगा। राज्य के 8,400 पैक्सों का होगा कंप्यूटरीकरण।
बिहार योजना परिषद के उपाध्यक्ष बिजेंद्र प्रसाद यादव ने हाल ही में सहकारिता विभाग के कामों की समीक्षा की और कई निर्देश जारी किए हैं। इस मौके पर विभाग की तरफ से उपाध्यक्ष को बताया गया है कि राज्य के पैक्सों का कंप्यूटरीकरण होगा, इसका प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। कुल 8,400 पैक्सों में से 6,600 के पास अपना गोदाम उपलब्ध है। वहीं मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना के अंतर्गत पैक्सों के 50% लोन और 50% अनुदान के आधार पर 15 लाख दिए जा रहे हैं। योजनाओं की भौतिक और वित्तीय उपलब्धि के साथ लाभान्वित लोगों के आंकड़े तैयार करें। बिहार में 69% महिलाओं का हेमोग्लोबिन स्तर पहुंचा 11 से नीचे। बिहार में 69% महिलाओं का हेमोग्लोबिन 11 पॉइंट से नीचे दर्ज किया गया है। इसका खुलासा नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2021 की रिपोर्ट में हुआ। पड़ोसी राज्य झारखंड से बिहार की 2% अधिक महिलाएं खून की कमी का शिकार बताई गई हैं। झारखंड में 67.4% महिलाओं का हेमोग्लोबिन 11 पॉइंट से नीचे है। डॉक्टर कहते हैं कि महिलाओं में 12 से ऊपर हेमोग्लोबिन रहना चाहिए। खून की कमी से महिलाएं हरदम थकान महसूस करती हैं। गर्भवती महिलाओं में खून की कमी से बच्चे के विकास पर भी असर पड़ता है। साल 2020 में फैमिली हेल्थ सर्वे की पहली रिपोर्ट में भी सूबे की 63.6% महिलाओं में हेमोग्लोबिन का स्तर 11 पॉइंट से कम पाया गया था। बीपीएससी पेपर लीक मामले में राजस्व पदाधिकारी के ठिकानों पर पड़ी रेड। बिहार में हुए बीपीएससी पेपर लीक मामले में अब अररिया जिले के रानीगंज में राजस्व अधिकारी राहुल सिंह भरगामा के ठिकानों पर ईडी की रेड पड़ी। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार उनके आवास से पैन कार्ड की कॉपी, बैंक पासबुक और परीक्षाओं के प्रश्न पत्र भी जब्त किए गए हैं। हालांकि अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। दरअसल राहुल सिंह भरगामा में कार्यरत है और रानीगंज में किराए के मकान में रहते हैं। छापेमारी में रानीगंज पुलिस पदाधिकारी भी शामिल थे। जानकारी के अनुसार यह छापेमारी बीपीएससी पेपर लीक मामले से जुड़ी है। पटना में ही राहुल को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब उनकी निशानदेही पर घर की चाबी लेकर ईडी यहां आई थी। आपको बता दें कि आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने बीपीएससी पेपर लीक कांड में अब तक 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बिहार इन्वेस्टर्स मीट में शामिल होंगी बड़ी बड़ी कंपनियां। बिहार में उद्योग को बढ़ावा देने की जुगत में बिहार की नीतीश सरकार लगी हुई है। इसी के तहत अब तक कई उद्योगों को विकसित करने का काम भी किया गया है, जिसके बाद से ही विकास की तेज रफ्तार और बढ़ती संभावनाओं के बीच देश की टॉप कंपनियों की बिहार में दिलचस्पी बढ़ती जा रही है। इसी क्रम में 20 जून को मुंबई में बिहार इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन किया गया। सबसे खास बात यह है कि इस मीट में चार चांद लगाने टाटा, अंबानी, अडानी, गोदरेज जैसी बड़ी कंपनियां आ रही हैं। इसके लिए ही उद्योग विभाग के प्रधान सचिव संदीप पौंड्रिक तैयारियों का जायजा लेने मुंबई गए हैं। खबर के अनुसार वहां वो समीक्षा बैठक भी करेंगे। वहीं इस इन्वेस्टर्स मीट में उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन और सूबे के आला अधिकारी भी शामिल होंगे। अब नहीं चलेगी क्विक मोबाइल के जवानों की मनमानी। अब बिहार में क्विक मोबाइल के जवानों की मनमानी नहीं चलने वाली है। यानी कि सालों से पटना में चले आ रहे क्विक मोबाइल के जवानों की मनमानी अब खत्म होगी। इसको लेकर एसएसपी डॉक्टर मानवजीत सिंह ढिल्लों ने बीते दिन एक बड़ा आदेश जारी किया है, जिससे अनुशासन तोड़ने वाले जवानों पर आसानी से नकेल कसने का काम होने वाला है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि क्विक मोबाइल के लिए जवानों की पोस्टिंग पहले पुलिस लाइन से की जाती थी। इस कारण ही जवान लाइन के अधिकारियों को मिलाकर आसानी से मनचाहे थाने में ड्यूटी लेने का काम करते थे। कई बार एक ही जवान हर थोड़े दिन पर अपने पुराने स्थान पर चले जाते थे। झुलसाने वाली गर्मी से बिहार वासियों को जल्द ही मिलेगी राहत। बिहार के लोग अब गर्मी से जल्द ही राहत पा सकते हैं, क्योंकि बारिश के बाद एक बार फिर से बिहार के अधिकांश जिलों में झुलसाने वाली गर्मी पड़ रही है। लोग आसमान की तरफ टकटकी लगाए भीड़ रखते हैं। ऐसे में कहीं बादलों की लुका छिपी चलती है तो कहीं बारिश भी हो रही है। इस बीच अब एक राहत भरी खबर सामने आई है, जिसके तहत ही मौसम विभाग ने बिहार में करीब एक पखवारे के बाद बिहार में भी मानसून की बारिश शुरू होने की उम्मीद जताई है। वहीं दूसरी तरफ पटना मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों का कहना है कि इस साल मानसून अपने निर्धारित समय से 2 दिन पहले ही प्रदेश में पहुंचने की उम्मीद है। पूर्वी चंपारण के अरेराज सोमेश्वरनाथ मंदिर में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। अरेराज में स्थित ये सोमेश्वरनाथ मंदिर प्राचीनतम मंदिरों में से एक है, जहां प्रमुख रूप से भगवान शिव की पूजा होती है। खासकर सिवान में श्रावणी मेले के दौरान यहां की सजावट भव्य और दिव्य होती है। इस मंदिर का गर्भगृह समतल से लगभग 20 फीट नीचे है। शहर का नेपाल के पास होने के कारण यहां पर तीर्थयात्री और भक्तगण पूरे बिहार के साथ साथ नेपाल से भी आते हैं। इस इलाके में अन्य भी कई मंदिर हैं, जिसके कारण अरेराज को पूर्वी चंपारण के पवित्र शहर के रूप में भी जाना जाता है। बिहार सरकार ने जमीन से जुड़े प्रोजेक्ट के लिए लगाया जोर।
बिहार में जमीन से जुड़ी समस्याएं कम से कम हो, इसको लेकर बिहार की नीतीश सरकार काम में जुट गई है। इसी कड़ी में सरकार की तरफ से राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने रेल और सड़क की परियोजनाओं में भू अर्जन के कारण आ रही बाधाओं को प्राथमिकता के स्तर पर दूर करने का निर्देश जारी कर दिया है। इसको लेकर अपर मुख्य सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा की अध्यक्षता में भू अर्जन पदाधिकारियों की बैठक के बाद अब इस मामले में सक्रियता बढ़ा दी गई है। बैठक में NH के निर्माण के रास्ते में बाधक बनी भू अर्जन की प्रक्रिया को तेज करने का निर्देश दिया गया है। सशस्त्र सीमा बल के लिए भू अर्जन में भी बाधा आ रही है। अधिकारियों को कहा गया है कि इसे जल्द से जल्द दूर करें। बाढ़ को लेकर उप मुख्यमंत्री ने की बैठक। बिहार में संभावित बाढ़ को देखते हुए बिहार सरकार अपनी तैयारियों में जुट गई है। इसी के तहत अब बिहार के कटिहार में बाढ़ से पूर्व तैयारी को लेकर विकास भवन के सभागार में अहम बैठक बुलाई गई थी। अनुश्रवण समिति की इस बैठक में डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद और कटिहार के प्रभारी मंत्री प्रमोद कुमार विशेष रूप से उपस्थित रहे। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार चाहती है कि बाढ़ की विभीषिका के दौरान लोगों की मुश्किलें कम की जाए। इसको लेकर अब तमाम लोग तैयारियों में जुट गए हैं। यहाँ के लोग कोसी और महानंदा दोनों नदियों के बाढ़ को झेलते हैं। बाढ़ पीड़ितों को कोई कठिनाई नहीं हो, सरकार इसके लिए पूरी तरह से गंभीर है। वहीं प्रभारी मंत्री ने कहा है कि अब तक बाढ़ को लेकर गंगा, महानंदा और कोसी नदी से घिरे कटिहार में तैयारी संतोषजनक है। बिहार में मकान बनाने वालों के लिए खुशखबरी, सस्ते में मिलेगा ये। अगर आप भी बिहार में मकान बनाने की सोच रहे हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। अब बिहार में मकान बनाना सस्ता होने वाला है क्योंकि सरिया का भाव कम हो गया है। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार सरिया का भाव 10 रुपए प्रति किलो नीचे आ गया है। इससे मकान बनाने वालों को बड़ी राहत मिली है। सीमेंट का भाव अभी स्थिर चल रहा है लेकिन इसमें भी मामूली रूप से राहत मिलने की उम्मीद बंधी है। महज 10 दिनों के अंदर सरिया का भाव 10 रुपए प्रति किलो नीचे आया है। कन्फेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के बिहार अध्यक्ष मणिकांत ने कहा कि केंद्र सरकार की तरफ से उठाए गए कदम की वजह से सरिया की कीमत नीचे आई है। क्रेडाई के अनुमान है कि यह राहत 10% तक ही हो सकती है। बिहार में अगले महीने से नहीं होगी नई सड़कों की खुदाई। बिहार की राजधानी पटना में सीवर लाइन या गैस पाइपलाइन बिछाने के लिए सड़कों के लिए नई खुदाई पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। 1 जून से नई सड़क पर खुदाई नहीं होने वाली है। वहीं बुडको MD धर्मेंद्र सिंह ने पहले से खुदी सड़कों की मरम्मत हर हाल में जून से पहले हफ्ते कर लेने का निर्देश दिया है। बिहार राज्य आवास बोर्ड कार्यालय के सभागार में हुई बैठक में उन्होंने निर्देश दिया कि अब नई सड़क की खुदाई नहीं करें। पहले से खोद कर छोड़ दी गई सड़कों की मरम्मत अगले 7 से 10 दिनों में कर दें। जिन सड़कों की मरम्मत का काम थोड़ा बहुत बचा है उसे हर हाल में 31 मई तक पूरा करने का काम कर ले और बाकी काम को रोक दे। राजगीर के पासिंग आउट परेड में देश को मिले 434 CRPF जवान। बीते दिन CRPF प्रशिक्षण केंद्र राजगीर में 48वें बैच के दीक्षांत परेड समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान ही प्रशिक्षण केंद्र राजगीर में ट्रेनिंग लिए देश भर के कोने कोने से पहुंचे 434 नव प्रशिक्षु आरक्षियों ने पासिंग परेड में हिस्सा लिया। प्रशिक्षण समारोह IPS अधिकारी IG अमित कुमार और CRPF DIG संजय कुमार सिंह ने परेड का निरीक्षण और सलामी ली, जिसके बाद अब ये लोग 44 सप्ताह का ट्रेनिंग लेकर नव प्रशिक्षु आरक्षी अब देश के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर अपने मातृभूमि के लिए सेवा देंगे। इस मौके पर IG अमित कुमार ने कहा कि आपने अपने करियर और देश सेवा के लिए एक महान बल को चुना है जो विश्व का सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल है। इसका गौरवशाली इतिहास है जो पूरे देश को गौरवान्वित करता है। शिवानंद तिवारी का दावा, RCP सिंह को ही राज्यसभा भेजेंगे नीतीश कुमार। बिहार में इन दिनों राज्यसभा चुनाव को लेकर चर्चा हो रही है कि इस चुनाव में जदयू किसे अपना उम्मीदवार बनाने वाली है। हालांकि जदयू की तरफ से तो इस पर कोई बयान सामने नहीं आया लेकिन राजद नेता शिवानंद तिवारी ने जरूर इस मामले पर अपना बयान दिया है। बीते दिन मीडिया से बातचीत के दौरान शिवानंद तिवारी ने कहा कि CM नीतीश कुमार केंद्रीय मंत्री RCP सिंह को ही राज्यसभा भेजेंगे। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो इससे उनका नुकसान ही होगा। उन्हें लगता है कि राज्यसभा के लिए RCP सिंह का नाम तय करना उनकी मजबूरी भी है। जदयू में एक समय नीतीश कुमार के बाद दूसरा कोई था तो वो RCP सिंह ही थे। 31 को लालू यादव बुलाएंगे राजद विधायक दल की बैठक। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव इन दिनों पटना में हैं। उनके पटना आने की खबर से ही बिहार की राजनीति में अटकलों का बाजार भी गर्म हो गया है। एक तरफ जहां राजद की तरफ से बिहार सरकार के भविष्य को लेकर टिप्पणी की जा रही थी, वहीं विपक्षी पार्टियां लालू यादव की पटना में मौजूदगी को सामान्य बता रही है और ज्यादा महत्व देने का काम नहीं कर रही है। राज्यसभा चुनाव और आसन्न विधानसभा परिषद चुनाव को लेकर के राजद की इस बैठक को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पार्टी के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आगामी 31 मई को शाम 6 बजे राजद विधायक दल की बैठक होगी। सबसे खास बात यह है कि करीब 5 सालों बाद यह पहला मौका होगा जब इस तरह की बैठक में लालू प्रसाद खुद मौजूद रहेंगे।
राशन कार्ड धारियों को मुफ्त में नहीं मिलेगा गेहूं। अगर आप भी एक राशन कार्ड धारी हैं तो सरकार की तरफ से आपको जल्द ही एक झटका लगने वाला है, जिसके तहत ही आपको आने वाले समय में सरकार फ्री में गेहूं नहीं देगी, जिसका ऐलान केंद्र सरकार की तरफ से कर दिया गया है। केंद्र सरकार की तरफ से किए गए इस बदलाव के बाद करोड़ों राशन कार्ड धारकों को 1 जून से फ्री गेहूं मिलना बंद हो जाएगा। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि मोदी सरकार ने गेहूं की कम खरीद के कारण गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मई से सितंबर तक आवंटित होने वाले गेहूं के कोटे को घटा दिया है। इस बदलाव के बाद 3 राज्य यूपी, बिहार और केरल को गेहूं का कोटा नहीं मिलेगा। साथ ही यूपी, बिहार और केरल में कार्ड धारकों को अब 3 किलो गेहूं और 2 किलो की जगह 5 किलो चावल दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 मई को करेंगे बिहार के इस जिलेवासियों से बात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 31 मई को बिहार के भागलपुर वासियों से बात करने वाले हैं। प्रधानमंत्री शिमला से 13 कार्यक्रम और योजनाओं के संबंध में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रतिभागियों को संबोधित भी करेंगे। कार्यक्रम में केंद्रीय या राज्य मंत्री के अलावा सांसद, विधायक, मेयर, जिला परिषद अध्यक्ष, स्वतंत्रता सेनानियों के परिजन, पंचायती राज संस्थाओं के सदस्य, जिले के गणमान्य व्यक्ति और विभिन्न योजनाओं से संबंधित 10-10 व्यक्ति सहित 500 लोग हिस्सा लेने वाले हैं। इसको लेकर ग्रामीण विकास विभाग के सचिव बाला मुरुगन डी ने जिलाधिकारी को पत्र भेजकर तैयारी शुरू करने को कहा है। प्रधानमंत्री के संबोधन को लेकर जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने हाल ही में संबंधित विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की है। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। म्यांमार में चक्रवाती तूफान ने 140 लोगों की जान ली। पाकिस्तान ने परमाणु वैज्ञानिक अब्दुल कादर खान पर 2004 में लगाए गए प्रतिबंधों में ढील दी। भारतीय जनता पार्टी के नेता वीएस येदुरप्पा ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में 2008 को शपथ ली। अमेरिका और भारत के बीच सितंबर 2008 में हुए 123 अग्रीमेंट को छोड़ दिए गए परमाणु ईंधन की रिप्रोसेसिंग के पहलू पर अमेरिकी प्रशासन ने सहमति का ऐलान 2010 में किया। भारत की राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने हेनान प्रांत के लेउआंग में पहली सदी की प्राचीन श्वेताश्व व्हाइट हॉर्स मंदिर परिसर में भारतीय शैली से निर्मित एक बौद्ध मंदिर का लोकार्पण 2010 में किया। स्वतंत्रता सेनानी पत्रकार रामानंद चटर्जी का जन्म 1865 में हुआ। हिंदी के जाने माने निबंधकार कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर का जन्म 1906 में हुआ। भारत के 5वें प्रधानमंत्री जो किसानों की आवाज बुलंद करने वाले प्रखर नेता चौधरी चरण सिंह का निधन 1987 में आज के दिन हुआ था। आज होगा आईपीएल सीजन 15 का महामुकाबला, भिड़ेगी दो दमदार टीमें। इंडियन प्रीमियर लीग 2022 के फाइनलिस्ट तय हो गए हैं। आरसीबी के खिलाफ 7 विकेट से मैच जीतकर राजस्थान की टीम 14 साल के लंबे इंतजार के बाद फाइनल में पहुंच गई है, जहां उसका सामना पहली बार आईपीएल खेल रहे गुजरात टाइटंस से होगा। आज आईपीएल के सीजन का महामुकाबला खेला जाना है। आज इस सीजन का विजेता सामने निकल कर आएगा। गुजरात के कप्तान हार्दिक पांड्या के पास कप्तानी का कोई अनुभव नहीं था, जबकि राजस्थान के कप्तान संजू सैमसन पिछले सीजन से ही अपनी टीम की कमान संभाल रहे हैं। ऐसे में देखना यह होगा कि आज कौन किस पर विजय हासिल करेगा, संजू सैमसन का अनुभव या फिर हार्दिक पांड्या का लक। ये मुकाबला रात 8 बजे से दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। व्हाट्सएप पर हो सकती है 35 रुपए तक की कमाई। इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप का इस्तेमाल अब चैटिंग और मीडिया फाइल्स शेयर करने के अलावा पेमेंट के लिए भी होने लगा है। व्हाट्सएप यूजर अपने दोस्तों और परिवार वालों को पैसे भेजकर 35 रुपए का कैशबैक पा सकते हैं। इस कैशबैक को आप अधिकतम 3 बार पा सकते हैं। हालांकि इसके लिए आपको कुछ नियम और शर्तों का पालन करना होगा। ये भी ध्यान देने की जरूरत है कि व्हाट्सएप पेमेंट कैशबैक प्रमोशन अलग अलग यूजर के लिए अलग अलग समय पर उपलब्ध होगा। एक बार जब प्रमोशन आपके लिए उपलब्ध हो जाता है तो ये सीमित समय के लिए ही होगा। यहाँ हम आपको बता रहे हैं कि आप किस तरह व्हाट्सएप पर 35 रुपए का कैशबैक पा सकते हैं। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर ने हमारे सवालों का सही जवाब दिया है उनके नाम है नुनू कुमार, गौतम कुमार, राजू यादव, अनुपम कुमार, संध्या सिन्हा, रूपेश कुमार, चंदन कुमार, अनुज कुमार, ललित कुमार, सुमित कुमार, दीपक कुमार, अनिता कुमारी, सौरभ मिश्रा। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, क्या हार्दिक पांड्या की कप्तानी वाली गुजरात टाइटंस अपने डेब्यू सीजन में ही आईपीएल खिताब जीतकर इतिहास रचने में कामयाब हो पाएगी या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।